मक्के दी रोटियां सरसों का साग, मक्के दी रोटियां ते सरसों का साग। अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, वाह, एकदम देसी घी का पूरी सब्जी, ठंडा बहुत ज्यादा है, ठीक है। और पापा को इतना ठंडा लग रहा है कि पापा क्या बोले, बंगाली बेसमेंट में घूम रहे, चुप, एकदम ठंडा में पापा कांप रहे। डिसाइड कर लिया इस ठंडा में और नहाइएगा नहीं ना पापा? नहीं है अभी नहाया। ये कहाँ से है वो भी बता दो। ये हाजी अलाउद्दीन से है। क्या है ये? ये एकदम देसी घी का पूरी पूरी और सब्जी, बहुत ही टेस्टी है। उसके साथ साथ जलेबी है, जलेबी 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 भाई भाई, बहुत मजेदार ब्रेकफास्ट है। और उसके बाद हम लोग आप जैसे देख सक रहे हो, मैं डायरेक्ट अपने जिम से आया हूँ। और इसके बाद ये शानदार ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बनाएंगे सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। सरसों दा साग होवे, मक्के दी रोटी होवे, तेरा मेरा प्यार होवे। And this is for everybody. Happy Makar Sankranti, Bihu, Lohri, and in our whole Indian culture, बहुत सारा एक साथ हम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं इस वक्त। विंटर स्पेशलिटी है हम लोगों का। और जितना भी रिलीजन, जितना भी कल्चर में जो भी कुछ बोला जाता है, सबको मकर संक्रांति को, लोहड़ी को, बिहू को, सबको सब मतलब हैप्पी हैप्पी लोहड़ी, बिहू, मकर संक्रांति एंड ऑल। देखो ये सब जो फेस्टिवल है ना, ये जो एक फेस्टिवल का इतना सारा जो नाम है, ये फेस्टिवल इज फॉर हम लोगों के फार्मर, हम लोगों के हीरो, ठीक है, उन लोगों के लिए है ये फेस्टिवल। तो इसीलिए आज हम लोग ये ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आज फार्मर को डेडिकेटेड करते हुए आज हम लोग बनाएंगे मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द फार्म लैंड। ये हम लोग सरसों दा साग बना रहे हैं और सरसों का साग के लिए हमें चाहिए सरसों, तो वो मैं डाल दे रहा हूँ। लगभग मैं 1 किलो सरसों लिया था। सरसों का साग में क्या है कि जो पत्ता है वो बेकार होता है, जस्ट उसका जो स्टेम है ना वही काम आता है, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा पानी डालकर अपार्ट फ्रॉम सरसों का साग वी हैव चना का साग, मेथी, ठीक है, जिंजर, गार्लिक, सलगम और मूली, ठीक है। मूली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, मतलब सरसों का साग में नहीं, मक्के की रोटी में, तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा बाद में। क्या बोल रहे हो? हाँ, exactly. सब सही जा रहा है ना? फिलहाल तो स्टार्ट किया है, लेट्स सी आगे आगे होता क्या है। आई होप अच्छा हो। धीमी आंच में रखिएगा, इसे बोलने में थोड़ा शर्म आ रहा है लेकिन स्टिल। अब सरसों का साग के बाद उसमें हम लोग चना के पत्तियां देंगे, चना का साग, ठीक है, ये हरा चना का साग है, ठीक है। इसको कितना देना पड़ता है? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 800 ग्राम सरसों का साग लिया हूँ तो इसको मैं 200 ग्राम डाल रहा हूँ, ठीक है। मेरी अम्मू अगर जिंदा रहती ना भाई, बहुत खुश हो जाती। अच्छी बात यह है ना कि ये सब में प्रोटीन भी है, ठीक है। और जब मैं खरीद रहा था, मैं सोच रहा था कि कितना सस्ता में मिलता है यार, समझ गया, एक नॉर्मल किसान जो पंजाब के हैं, यूपी के हैं या बंगाल के हैं, ठीक है, खासकर पंजाब के किसान, पंजाब के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के इंडियन इकोनॉमी में। उन लोग पंजाब हरियाणा के लोग, उन लोग जो मतलब क्या बोले, मैं इतनी डीपली समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग पंजाबियों के साथ हुई है। मेरा स्कूल था खालसा इंग्लिश हाई स्कूल, तो उन लोग बस खेतों से सरसों का साग उठाते हैं और चना का साग उठाते हैं, थोड़ा मूली उठाते हैं, शलगम उठाते हैं, और मतलब इतने हम्बल लोग हैं उन लोग कि उन लोग बस खाना बनाते हैं,
ठीक है, वही खाना लेके उन लोग खेत में जाते हैं और मतलब खेती करते हैं, और हम लोग देखो हट्टा कट्टा हो रहे हैं उन लोगों की मेहनत से। सो थोड़ी सी मेथी डालूंगा आप, मतलब ये तीनों साग क्या करेंगे ना, ये तीनों बैलेंस करेंगे। यस, ये तीनों साग बैलेंस करेंगे। और मैं बना रहा हूँ उसको, और अपने फार्मर भाइयों को, फार्मर अंकल, फार्मर बहन, सबको, फार्मर फ्रेंड्स, सबके लिए मैं मतलब रेस्पेक्ट जो है और बढ़ जा रहा है मेरा। मेथी ज्यादा मत डालिएगा, देखिए मेथी मैं बहुत ज्यादा ले लिया, क्योंकि मैं इसलिए भी ज्यादा खरीदा हूँ ना, मैं देखा मार्केट में चिकन मटन वो सब की दुकान में भीड़ बहुत होता है यार, लेकिन एक कोने में एक आंटी साग बेच रही है, कोई खरीद ही नहीं रहा है उन लोग से ज्यादा। तो मैं सोचा चलो यार जितना मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूँ, वेस्ट ना हो, दूसरे दिन फिर बना के खाऊंगा। थोड़ा और पानी डालते, बैकग्राउंड में अपना पंजाबी गाना बज रहा है, आज फुल ऑन पंजाबी वाला मोड, फुल ऑन पंजाबी। हम लोग डाल रहे हैं बटर, बटर उसको फ्राई होने में, भूनने में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रेशर कुकर का लिड देने से पहले, अच्छे से पहले ना स्लो आंच में थोड़ा भूनना। तो बैकग्राउंड में हम लोगों का मेरा हाउस हेल्प जोगिंदर भाई, वो भी डांस कर रहा है। अच्छे से भूलो भाई, ओए मक्के की रोटियां अरे अभी अदरक भी डाल दो, अभी थोड़ा सा नहीं, अभी थोड़ा सा फ्लेवर भी देगा ना अदरक, मेरे से भी थोड़ा सा टिप्स लिया करो। अब हम लोग डाल रहे हैं जिंजर और गार्लिक, हाँ उसके साथ हम लोग डालेंगे इतना सलगम मत डालना, बस इतने बड़े बड़े पांच पीस डाल जाए। लहसुन का है डाल दिया, लहसुन अदरक लहसुन डाल दिया। हाँ 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 वो स्मेल कैसा है? अच्छा आ रहा है स्मेल। इसको ज़ूम करो ना, देखो ओए पंजाबी खाना मतलब लॉट्स ऑफ बटर, और बटर देंगे। अगर बटर से डर लगता है तो पंजाबी खाना मत खाओ भाई। ओके, लेकर अच्छे से और क्या खुशबू आ रहा है, ठीक है। देखो यूजुअली क्या होता है ना कि ऐसे करके उन लोग पतीले में हमारे फार्मर्स भाई लोग छोड़ देते हैं, रात भर बचता है, लेकिन भाई हमें तो लंच में खाना है ना, तो हम लोग ऐसा छोड़ेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे अब, इसमें नमक वगैरह, नमक लेकिन थोड़ा एकदम बैलेंस करके देना, क्योंकि हम लोग इतना सारा ये दिया ना बटर दिया, वो नमक देंगे अभी थोड़ा सा नमक दे दो, थोड़ा सा नमक दे रहे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि इतना बटर दिया ना, एकदम थोड़ा सा बटर में तो नमक रहता है, इतना ही सही, इससे भी थोड़ा सा कम, इससे बस ये हाँ ठीक है थोड़ा सा नमक दिया, क्योंकि बटर में नमक रहता है,
और नमक कम रहता है तो खा सकते हैं, ज्यादा हो जाता है तो डिफिकल्ट हो जाता है खाना। तो थोड़ा सा रेड चिली पाउडर देंगे, थोड़ा सा, इससे भी कम। मुझे थाल पसंद है लेकिन इसमें साग में उतना झाग नहीं होता है। याद रखना आप कश्मीरी मिर्चा मत देना क्योंकि उसमें तो लाल रंग होता है, तो आप नॉर्मल जो रेड चिली पाउडर है वो दे दो। ठीक है, थोड़ा सा जीरा, ठीक है, और अबे डरा क्यों रहा है, थोड़ा जीरा देना ही पड़ता है, डरा रही है मुझे अपनी वीडियो के पीछे से। और जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन स्टिल रंग निखारने के लिए दे रहा हूँ, ये मसाला मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा सा हल्दी, हम बंगाली लोगों का फेवरेट है हल्दी, मुझे पसंद नहीं है। हल्दी इज वेरी हेल्दी, हेल्दी तो है। हाँ। इसको अच्छे से हम लोग, मेरा फेवरेट पार्ट भूनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार भूनना। ठीक है, अब देखो इतना साग डाला हम लोगों ने, इतना साग डाला, लेकिन जैसे अंदर गया ना तो ये तो कम हो गया। मेरे दोस्त लोग भी आज खाने मांग रहे हैं, ठीक है, बापीदार, नदीम भाई, उन लोगों को भी मतलब भेजूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा ये सब चख लेना, ठीक है, वीडियो में जो देख रहे हो। और अभी मेरी असिस्टेंट मोमिता मुखर्जी मक्के की आटा को ये बना रहे, गूंद रही है, इसमें इसने डाल दिया है नमक, ठीक है, चीनी, चीनी हम बंगाली लोग हर चीज में डालते हैं। हाँ। और ये क्या है पता, मूली, मूली, yes. मूली को क्या करना, उसका पानी को निचोड़ के, हाँ, उसका पानी को निचोड़ के उसमें डालना है, ठीक है। और क्यों डालते हैं इसको, क्योंकि इनहेंस एंड मक्के की रोटी में क्या होता है कि टूट जाता है ये आटा, तो ये टूटेगा नहीं, इसको जोड़ के रखेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग जिसका वीडियो देख के बना रहे हैं, कुणाल कपूर, ठीक है, कुणाल कपूर सर, उन्होंने बोला है, तो कुणाल कपूर सर अगर गलत हुआ तो आई विल पुट द ब्लेम ऑन यू। हम लोग अभी ऐसे ऐसे गोल 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 करके, बंगाली में बोलते हैं लोहिया, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेची, बंगाली में बोलते हैं, ओह सॉरी, मेरे घर पे मैं बोलता था लोहिया, बंगाली में बोलते हैं लेची, और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके गोल गोल बना रहे। बहुत डिफिकल्ट है इसको घूमना, बहुत डिफिकल्ट था, अकेला मेरे असिस्टेंट से हुआ नहीं, एकदम ही नहीं, मुझे करना पड़ा, ठीक है, अपना मेहनत है। और कुकर में सरसों दा साग बन रहा है, और मोम यहाँ पे मक्के दी रोटी को आस्ते आहिस्ते डेलिकेटली बेल रही है। ये बहुत टफ है ना मोम, बहुत टूट जाता है ना, बट वी आर मेकिंग स्मॉल बिकॉज वी आर अ न्यूबी, हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं है, तो यूजुअली मोटा और बड़ा होता है मक्के की रोटी, बट और ऐसे करके हम लोग इसको एक पेपर में रख रहे हैं, ये बहुत डेलिकेट है। और जब ये मेरा आइडिया है, हाँ, ये कुणाल कपूर सर का आइडिया नहीं है, बेलने के टाइम थोड़ा घी, घी से उसको ग्रीस कर दे रहे सो दैट ये टूटे ना, समझे। और ये भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हाँ, और ये भी हम लोगों का आइडिया है, ये आप लोगों को लग रहा होगा ये वे प्रोटीन है, लेकिन ये वे प्रोटीन नहीं है, वे प्रोटीन के डब्बे में है मैदा, तो ये अपना जुगाड़ लगाया हम लोगों ने। अब हम लोग रोटी में थोड़ा घी लगा रहे हैं, घी, घी, ये देखिए, ये देसी घी गया रोटी विच, ओए, अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं यार, सॉरी, एग्जॉस्ट हो गया है मक्के की रोटी बनाकर, ठीक है, बहुत टफ काम है। अभी हम लोग पैन में देसी घी मारे हैं, ठीक है, और थोड़ा ड्राई रेड चिली दिए हैं, देने के बाद अच्छे से तड़का मार रहे हैं, ठीक है, और ये हम लोगों का रेडी मक्के की रोटी, ये क्या है बोलो, ये है पूरी पीठे, और ये पाटी साप्ता, पाटी साप्ता, सरसों सरसों का साग, पूरी पीठे, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी घी मार के। Baba, yes. Are you ready? Ekdam, ekdam.
मक्का दी रोटी, सरसों दी साग, पंजाब जिंदाबाद, पंजाबी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, आए बैठ के जमीन पर बैठ के खाएंगे। और आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बहुत थक चुके हैं। तो एज यूजुअल हर वीडियो के एंड में यही बोलता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता हूँ। मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, सबका सबका अच्छा कटे। और अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना है, कर दो, जो भी है। मैं इन्जॉय कर रहा हूँ मेरे फैमिली के साथ मक्के की रोटी, सरसों का साग, और स्पेशली मेरा स्कूल खालसा इंग्लिश हाई स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, आई लव यू ऑल, बाय। दिस इज़ योर रोमान साइनिंग आउट।